बचपन की कुछ झूठी बातें जिन्हें हम सच मानते थे। नंबर वन, बचपन में जब भी हम मस्ती करते थे तो पापा बोलते थे तुम्हें बोर्डिंग स्कूल में भेज देंगे। नंबर टू, हमें इंजेक्शन से डर लगता था तो डॉक्टर कहते थे कुछ नहीं होगा, बस ऐसा लगेगा कि चींटी ने काटा है। नंबर थ्री, बचपन में जब भी हम झूठ बोलते थे तो लोग बोलते थे कि झूठ बोलने से नाक लंबी हो जाती है, क्या होगा अगर सारे बच्चे स्कूल जाना ही छोड़ दे तो। नंबर वन, जैसे सभी बच्चे स्कूल जाना छोड़ देंगे तो सभी पेरेंट्स परेशान होकर टेंशन में आ जाएंगे। नंबर टू, स्कूल में जब बच्चे ही नहीं जाएंगे तो टीचर पढ़ाएंगे किसको, इसलिए कुछ दिनों बाद स्कूल भी बंद हो जाएंगे। नंबर थ्री, अब स्कूल ही नहीं होगा तो पढ़ाई की टेंशन भी नहीं, इसलिए बच्चे सारा दिन मस्ती में लगे रहेंगे। लोग यार ऐसा कैसे कर लेते हैं। नंबर वन, लोग अपने हाथों की नसें कैसे काट लेते हैं, हमें यहाँ इंजेक्शन लगवाने से भी डर लगता है। नंबर टू, कुछ बच्चे सारा सारा दिन घर के बाहर रहते हैं, घर वाले कुछ नहीं बोलते हैं, हम यहाँ 10 मिनट बाहर चले जाएं तो फ्लाइंग चप्पल आती है। नंबर थ्री, लोग बिना पूछे गोवा कैसे घुमाते हैं, हमें सैलून जाने के लिए भी पापा की परमिशन लेनी पड़ती है। चार ऐसी चीजें जिसे सोच सोच कर दिमाग हिल जाएगा। नंबर वन, अगर हम किसी होटल में वेटर का वेट कर रहे हैं तो सोचने वाली बात है कि वेटर हमें या वो। नंबर टू, बैंक में पैसे नहीं होते हैं तो बैंक वाले चार्ज क्यों करते हैं, उनको तो पता है कि हमारे पास पैसे नहीं है। नंबर थ्री, कोई अंधा इंसान सोते हुए सपना देख रहा है तो क्या उसे वो सपना दिखेगा। नंबर फोर, जब हम नहाते हैं तो हम साफ हो जाते हैं लेकिन जब टॉवेल यूज करते हैं तो टॉवेल कैसे गंदा हो जाता है। चार ऐसी पनिशमेंट जो स्कूल में बहुत बुरी लगती थी। नंबर वन, बीच लेक्चर में बात करते हुए टीचर पकड़ लेती थी स्टैंड अप, तो लेक्चर खत्म होने तक खड़े रहना पड़ता था। नंबर टू, जब हमारे बाल बड़े हो जाते थे और टीचर क्लास के सामने टकला कर देती थी तो सच में बुरा लगता था। नंबर थ्री, जब टीचर पनिशमेंट में पेन को दोनों उंगली के बीच में रखकर दबाती थी तो आत्मा बाहर आ जाती थी। नंबर फोर, याद है जब टीचर गुस्से में आ जाते थे तो जोर से हमारा कान खींचते थे तो बहुत दर्द होता था। जब कोई हॉस्टल जाता है तो वहाँ उसकी डेली लाइफ कितनी मजेदार होती है। नंबर वन, हॉस्टल में रहने का अपना एक अलग ही मजा है क्योंकि यहाँ 4-5 स्टूडेंट एक ही रूम में साथ रहते हैं। नंबर टू, सबको सुबह 5 बजे खुद से ही उठना पड़ता है और यहाँ का सारा रूल हॉस्टल के ऑर्डर सेलेक्ट करते हैं। नंबर थ्री, 6 बजते ही नहाने का टाइम होता है जहाँ एक लंबी लाइन लगती है, उसके बाद सभी लोग हॉस्टल के कैंटीन में ब्रेकफास्ट करने के लिए पहुँच जाते हैं। कुछ ऐसे झूठ जो टीचर हमारे मम्मी पापा से बोलते थे। नंबर वन, एग्जाम में कितने अच्छे ही मार्क्स क्यों ना जाएं, टीचर पेरेंट्स के सामने यही बोलते थे कि थोड़ा और अच्छा कर सकता है। नंबर टू, टीचर का कोई ना कोई फेवरेट स्टूडेंट होता ही है लेकिन पेरेंट्स के सामने बोलते हैं कि हमारे लिए सभी स्टूडेंट सेम है। नंबर थ्री, जब मम्मी टीचर से पूछती थी कि मेरा बेटा अभी पढ़ाई करता है या नहीं तो टीचर का जवाब हमेशा ना ही होता था।